दोस्तों, मेरे से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है इतनी है, तो क्या मैं रेलवे का टेक्नीशियन या ALP का फॉर्म भर सकता हूँ? तो उनको आइडिया नहीं रहता है कि वो उस फॉर्म के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अब तक आप देखा होगा कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तो अक्सर आपने जो एज देखा होगा, वो एज आपको मिनिमम 18 साल होनी ही चाहिए, 18 साल या फिर उससे अधिक। और ये उम्र की जो ऊपरी सीमा है, वो आपको 33 साल, 36 साल ये देखने को मिलती है। ये किसके लिए है? ये अनरिजर्व के लिए है। ऊपरी आयु सीमा में हमें छूट मिलती है, वो रिजर्व कैटेगरी, चाहे SC ST OBC है, तो OBC को 3 साल के लिए, SC ST है तो इनको 5 साल की छूट हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर रेलवे इम्प्लाई है, तो 40 साल तक कोई तलाकशुदा या फिर डाइवोर्स वुमन है, तो इनको 35 साल तक जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन हमें हमेशा सवाल ये पूछा जाता है कि सर, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ कितना है? 15 अगस्त 2006 है। तो क्या मैं ये रेलवे का फॉर्म जो छूटा है, जो वैकेंसी आई है, चाहे ALP टेक्नीशियन, फिर आने वाले दिनों में RPF, तो क्या मैं उसके लिए अप्लाई कर पाऊंगा? तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा ध्यान से देखना। मैं एज का कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जो एज है उसको आसानी से निकाल सकते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें आने वाली जो वैकेंसी है RPF, ठीक है, तो इनकी जो डेट है कांस्टेबल की, ये मान लो हमें 18 से और यहाँ पे 28 साल दिया, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको ये गणना करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, जिससे कि हम इस एज में आने चाहिए, या अगर हम कैटेगरी में है SC ST या OBC में है, तो 5 साल के छूट के साथ में हमें ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। तो एज का कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, इस वीडियो में वही बताऊंगा। तो मान लीजिए कि आपका जो एज है 15 अगस्त 2006 है, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है। तो आपको ये निकालना है कि क्या आप उस फॉर्म को भर रहे हैं, वो उसके लिए एलिजिबल है। तो आप देख सकते हैं, जितनी भी नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें जो उम्र की जो गणना है, वो 1 जुलाई 2024 से दिया जा रहा है। आप देखेंगे तो जो ALP का था, उसको भी 1 जुलाई 2024 था, टेक्नीशियन भी 1 जुलाई 2024 से उम्र की गणना यानी एज कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो आपको इसको निकालने का मैं तरीका बताता हूँ कि आपको यहाँ पे ये लिख लेना है कि यहाँ पे कैसे लिखना है, वर्ष, और ये लिखना है महीना, और ये लिखना है जन्म दिन, ठीक है। तो अभी जो है, ये गणना कब से हो रही है, 2024 से हो रही है। कौन से महीना से? 7 जुलाई से हो रहा है, और 1 जुलाई से हो रहा है, 1 जुलाई से हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये निकालना है कि आपकी एज कितनी है। तो वो देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 15 अगस्त 2006 डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको ईयर में यहाँ पे 2006 लिख देना है, और इसमें कितना लिखना है, आपका जो महीना है वो कौन सा है, ये 8 है, यानी अगस्त में पैदा हुए हैं आप 15 अगस्त को, ठीक है। तो यहाँ पे जो जन्मदिन है, ये 15 तारीख है, 15 तारीख को आपने जन्म लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है,
माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक है, एक तारीख है, तो 15 इसमें से माइनस नहीं होगा। तो हम हमेशा बाजू वाले से लेते हैं उधार। तो अगर इससे उधार लेते हैं तो ये बोलता है कि भैया हम एक पूरा पूरा महीना देते हैं और वो जो महीना होगा वो पूरा 30 दिन का होगा, चाहे महीना 31 दिन, 30 दिन, कुछ भी। तो ये बोल रहा है कि हम पूरा 30 दिन का महीना हम तुमको दे देंगे। तो ये 30 दिन देते हैं, कौन ये, इसको 30 दिन देते हैं। तो यहाँ पे 30 दिन ऐड किया तो ये हो जाता है 31, ठीक है। अब 31 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 दिन, कितना, ये 16 दिन, ठीक। अभी ये इनके पास एक कम हो गया, एक महीना कम हो गया, तो ये हो गया 6, कितना हो गया, ये 6 हो गया, 7 वाला था तो 6 महीना हो गया। और यहाँ पे है 8 महीना, तो ये भी नहीं जाएगा। तो ये बाजू वाले से उधार लेंगे तो ये कह रहे हैं भैया हमारे पास एक वर्ष है पूरा पूरा। गणित का फॉर्मूला बोलता है कि हम पूरा पूरा देंगे, यानी हम 12 महीना देंगे तुमको, एक वर्ष देंगे लेकिन 12 महीने के बराबर है। तो ये 12 इसको दे देगा तो 12 6 ये हो जाएगा 18 है। अब 18 में से ये 8 जब माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 10 महीना, 10 महीना, ठीक है। 16 दिन, 10 महीना, और इसके बाद इनके पास एक हो गया कम, एक हो गया कम, यानी कि ये 2023 हो गया, 2024 था इनके पास पूरा 2023। और यहाँ पे कि जब घटाएंगे 2006 में तो 7 6 13, यानी 2023 में से 7 7, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 17 वर्ष 10 महीना और 16 दिन। और जबकि फॉर्म भरने के लिए मिनिमम आपको 18 वर्ष पूरे होने चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ आप 17 वर्ष 10 महीना और सिर्फ 16 दिन के है, तो आप जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा। इसी तरीके से मैं थोड़ा ओवर एज का एक कोई फार्मूला मैं निकाल लेता हूँ। मान लो कि आपका जो एज है वो निकालना है हमको, ठीक है। तो एज हम निकाल लेते हैं इससे, क्या है 2024 से, और महीना हमारा 7 है, ये वर्ष है और ये महीना है और ये दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जुलाई है, और तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ है, कोई बंदा है, ये इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1990 का है, ठीक है, 1990 का है। और इनकी जो पैदा हुए हैं ये 1990 मार्च है, ठीक है, और ये हुए हैं करीब मान लो 8 मार्च 1990 डेट ऑफ मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो हम 1 जुलाई 2024 से इनकी डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। तो ये देख लीजिए, अब यहाँ पे ये 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो इनसे वापस लिया, इनके पास हो गया 30 और 31 हो गया। तो यहाँ पे जब हम वापस माइनस करेंगे तो ये 23 दिन ही होता है, ये 23 दिन हो गया। इनके पास 6 बच गया, 6 में से 3 गया, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, 6 में से 3 गया, तो ये 3 महीना हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये एक वापिस ले लिया, तो ये वापिस नहीं लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 में से 3 ही घट दिया तो वापिस नहीं लिया है। 2024 में से 1990 हम माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 34 वर्ष, ठीक है, 34 वर्ष 3 महीना 23 दिन। इस तरीके से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 1990 है तो जो आपकी उम्र है वो 34 वर्ष 3 महीना 23 दिन होता है। तो अगर
एज जो 18 से 35 साल दिया हुआ है तो आप ओवर एज में हो जाते हैं, लेकिन 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 अगर ये आप यू आर अनरिजर्व में है तो आप ओवर एज में हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी में आते हैं या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो आप जो है ये 18 से 35 साल अगर दिया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर आरपीएफ कांस्टेबल आप भरने जा रहे हैं तो आप इसके लिए अनसुटेबल हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा कि डेट ऑफ बर्थ से अपनी एज कैसे निकाले। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक लाइक करना, और मेरे चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।